हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजॉय बागवानी। तो चलिए आज की संडे की शुरुआत करते हैं हम सुंदर सुंदर सुप्रभात और हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे फूल तो आपको हैप्पी न्यू ईयर कर ही दिए होंगे। तो चलिए देखते हैं मेरे गार्डन में अभी जो है ना कौन कौन से फूल जो है ना सुंदर खुशबू बिखाए रहे हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए जो मेरे गुलाब का जो प्लांट था उसमें जो है ना गुलाब में ना कलियाँ ना भर भर के आई हुई है, ये देखिए। और ये बहुत खुशबूदार रोज़ है और देखिए ये झड़ गए हैं, स्पेंड हो गए हैं और इसकी फ्लावर की साइज़ ना बहुत बड़ी बड़ी है। और ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है तो आपको देखना है कि आपके ना। और ये जो मेरा गुलाब का पेड़ है मरता हुआ गुलाब है और इसमें इतनी सारी कलियाँ आई हुई हैं और अभी भी देखिए इस तरीके से कलियाँ अभी इसमें ढेरों बनी हुई हैं। तो ये जो फूल स्पेंड हो जा रहे हैं इसको ऐसे तोड़ दीजिए ताकि जो है ना सारी एनर्जी है ना ये अपने फूलों को बढ़ाने में लगाए, कलियों को बढ़ाने में लगाए। तो फ्रेंड्स अगर आपकी जो गुलाब के पौधे का कंडीशन अगर ख़राब है तो मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद देखिए जो हमारा देसी रोज़ है वो भी बहुत सुंदर से फ्लावरिंग कर रहा है और इसमें एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, ब्लैक तुलसी जो रामा तुलसी बोला जाता है। तो अभी बिजी शेड्यूल होने के कारण ना मैं बहुत दिन से ना ये नहीं कर पाई हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ना आप सारे गुलाब की ना कली ये जो स्पेंड हो जाती है फूल इसको तोड़ दिया करिए। उसके साथ फ्रेंड्स देखिए ये जो है ना ये ब्लीडिंग हार्ट के में गमले में भी ये जो है ना तुलसी का पौधा लग गया। और जो तुलसी का पौधा लगता है ना तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है खींचता है और पौधे को बढ़ने नहीं देता है। तो इसकी भी मैं कटिंग करने वाली हूँ ब्लीडिंग हार्ट की और इस तुलसी के पौधे को निकाल कर मैं किसी दूसरे गमले में शिफ्ट करने वाली हूँ। और इसी में ना बहुत सारी छोटे छोटे ना गेंदा का ना कटिंग ना जहाँ तहाँ लग गया है। और ये देखिए अगर आपने अभी भी अगर क्रिसैंथेमम नहीं लगाया है तो कटिंग से अभी भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये मम्मी के घर से मैंने एक बैगनी कलर का लेके आया था जो कि कलर मेरे साथ पहले था मगर वो ख़त्म हो गया था किसी कारणवश। तो इसकी जो है ना मैंने कटिंग ला के लगा दी है और देखिए ये भी बढ़ रहा है। और इसको मैं किसी गमले में शिफ्ट कर दूँगी तो थोड़ा लेट फ्लावरिंग होगी बट होगी ज़रूर इसमें, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि बस जो है गर्मियों में ही सनफ्लावर खिलता है। ये देखिए मेरा विंटर से बहुत सुंदर से जो है ना ये सनफ्लावर जो है जो मिनिएचर सनफ्लावर है वो बहुत ही अच्छी जो है ना फ्लावरिंग अभी कर रहा है। और इसको प्रॉपर क्योंकि अभी ठंडियों में बहुत अच्छी धूप मिलती है तो बहुत अच्छी जो है ना फ्लावरिंग कर रहा है। और ये देखिए इसकी सीड जो है ना आप सेव करके रख लीजिए और फिर आपके गार्डन में ये सालों भर जो है ना सीड से आप ये इसको ग्रो करते रहिए। उसके साथ फ्रेंड्स ये जो है ये है चांदरी गेंदा जिसे जाफरी गेंदा भी बोलता है। तो इसकी देखिए ढेरों सारी जो है ना सीड तैयार हो गई है और इस सीड को आप रख लीजिए। उसके बाद इसको आप किसी भी गमला में डाल देंगे ना तो इस तरीके से बहुत सारी फ्लावरिंग देगा। और ये जो है ना बहुत सारी जो है ना हमारे घर में जो है ना गेंदे के प्लांट हो गए हैं। और ये एक वैरायटी है जो कि ये देखिए ये भी है और ये सब मैंने ग्रो बैग में लगाया हुआ है। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है चांदनी गेंदा। और आपको ना एक बार ये लगा लिया तो कहीं ना मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है फूल खरीदने के लिए पूजा पाठ के लिए। साथ में फ्रेंड्स इसको देखिए ये लौकी है जो गोल वाली लौकी है ना इसमें ना बहुत अच्छी जो है ना लौकी बन रही है मगर क्या करें मेल फ्लावर्स नहीं है ये, मेल फ्लावर्स हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कनेर में बहुत अच्छी अभी फ्लावरिंग चल रही है। तो देखिए कनेर को बहुत अच्छी फ्लावरिंग कनेर में चल रही है फ्रेंड्स। ये पिंक वाला है वाइट वाले में भी और देखिए फिर से इसमें ना कलियाँ फिर से इसमें बनने लग गई। ये पूरा ना विंटर भर खिला है पूरा विंटर भर। अभी जो है विंटर में भी देखिए फिर से नई नई कलियाँ बनने वाली है। और ये जिसकी जो है डॉर्फ वैरायटी वाली जो है कनेर ये देखिए डार्क वाली है ये भी बहुत अच्छी खिली है। तो ये जो कनेर है ना आप बहुत आसानी से सीड पॉट से बना सीड से लगा सकते हो। इसमें खुद सीड पॉट बनती तैयार होती रहती है ये देखिए। और ये गमला में लगा हुआ है और ऐसा नहीं है कि ये ज़मीन में ही खिलता है और इसको कैटल भी नहीं खाते हैं। तो ये गमला में भी बहुत अच्छे से ना आप इसको लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए कितना सुंदर फ्लावरिंग करा और इसको मैंने कटिंग से रेडी किया है तो ये बहुत आसानी से ना कटिंग से आपकी जो है ना ये क्या बोलते हैं कनेर जो है ओलियंडर जिसको बोला जाता है और ये सालों भर आपके गार्डन में ना यूं ही ना सुंदर ना खूबसूरती बिखेरे हुए रहता है। उसके साथ फ्रेंड्स ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो गेंदा है ना ये बहुत ज़्यादा होता है और देखिए इसी में मूली लगी हुई है तो मूली मेरा जहाँ तहाँ लगा हुआ है। और ये जो गेंदा है ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है तो इसको आपको ज़रूर लगा लेना चाहिए फ्रेंड्स। और इस सीज़न में ना आप ना जो फेरबिया मिली जो होती है जो कि
ये देखिए कांटेदार, जिसको क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी बोलते हैं, मनी की, ये देखिए इसमें कितनी सुंदर रेड और ये येलो वैरायटी में है। और ये दोनों मेरा 4 इंच के पॉट में लगा, बहुत सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स। तो इसको ना डॉर्फ में ना आप छोटे छोटे गमले में भी लगा सकते हैं। और ये ऐसा प्लांट है जिसको कि एक बार लगा लिए तो आपको केयर करने की जरूरत नहीं, और एक बार फ्लावरिंग करता है तो ये आसानी से 2-3 महीना ऐसे ही खिला रहता है। उसके साथ फ्रेंड्स अभी नर्सरी में ना बहुत सारी ना विंका के कलर वैरायटीज़ में ना फ्लावर मिल रहे हैं, वो भी आप ला सकते हैं। और बहुत सुंदर ना अभी ठंडियों में बहुत सुंदर फ्लावरिंग करेंगे। साथ में अडेनियम के मेरे जितने भी प्लांट हैं वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और भर भर के अभी ना बर्ड्स बन रहे हैं। और जो सूखे फूल हैं ना उनको इस तरीके से आप निकाल के फेंक दीजिए, इसी में सीड पॉट भी बनते हैं। तो आप एक बार डहेलिया ये अडेनियम के प्लांट ले आएंगे ना तो बहुत सुंदर आपकी ना प्लांट जो है ना रेडी होते रहेगी और बहुत सारे आपके पास पौधे हो जाएंगे। और जो बिगुनिया है फ्रेंड्स वो भी ना अब फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस बार मैंने बिगुनिया के प्लांट ना नए नहीं लगाए हैं, जो ओल्ड है उसी में ही ना फ्लावरिंग हो रही है। और इसको मुझे ना अब थोड़ा सा वो देना है, क्या देना है, खाद देना है, कि इसकी जो फ्लावरिंग है थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि ओल्ड प्लांट है ये, पिछले 2 साल पुराना प्लांट है। और देखिए इसमें इतनी सुंदर फ्लावरिंग होती है, इसकी लीफ ऑलरेडी इतनी खूबसूरत होती है। तो इसकी पिंक वैरायटी और रेड वैरायटी दोनों है मेरे पास। और फ्रेंड्स जीनिया जो है ना ये भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग करे, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि मेरे जो जीनिया के प्लांट है ना वो विंटर के खिल के स्पेंड हो चुके हैं। तो मैंने उसको फिर से इसकी सारी जो है ना कलिया को हटा दी है, फूलों को हटा दिया है और उसमें फिर से खाद दे दिया, तो फिर से ये ना फ्लावरिंग पे बन जाएगा। अभी पता है कि रोज़ जो है ना अभी रोज़ के लिए बहुत अच्छा सीज़न है। तो अभी हम ना उड़ीसा चले गए थे तो ये कि प्लांट जो है ना पूरा सूख गया था और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था। तो देखिए फिर से मैंने इसको पूरी कटिंग कर दी थी, A to Z कटिंग कर दी थी, और इसमें देखिए फिर से बहुत अच्छे से जो है ना कलिया बनना चालू हो गया देखिए। और ये जब खिलना चालू होता है तो भर भर के खिलता है। उसके साथ फ्रेंड्स डेजी जो है ना, डेजी भी अभी खिला था और जो अब स्पेंड होने वाला है तो इसको काट के आप सेव करके रख लीजिएगा। ये डेजी जो है ना बहुत सुंदर फ्लावरिंग करता है और ये बहुत सुंदर लगता है और ये कट फ्लावर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। और जैसे कि मैंने बोला था कि रोज़ में अभी आप फर्टिलाइज़र दे दिए तो इसको भी ना जो पत्ते हैं वो थोड़े पीले पीले हो गए, इसको भी मुझे देना पड़ेगा। और ये सदाबहार तो मेरे गमला में सारे गमले में खिला हुआ है। और फ्रेंड्स क्रिसैंथेमम का सीज़न है, क्रिसैंथेमम का बात ना करें तो क्रिसैंथेमम में फिर से आपकी फ्लावरिंग जो है ना, अगर आपकी अर्ली क्रिसैंथेमम में फ्लावरिंग हो गई थी तो अब ये स्पेंड होने वाले हैं। तो फिर से इसमें फ्लावरिंग करने के लिए ना फ्रेंड्स आप ना इसकी जो जितनी भी फूल है ना, जैसे ये स्पेंड होगी, ये सबको तोड़ के निकाल दीजिए तो फिर से ना इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और लेट तक फ्लावरिंग होती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि और लेट तक फ्लावरिंग हो ना, तो इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाते रहिए, उसमें ना खाद पानी देते रहिएगा एक बार लग जाने के बाद। तो ना ये ना अप्रैल जून तक ना आपकी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करती है, जिसको कि लेट जो है ना फ्लावरिंग बोलते हैं। और देखिए ये सब जो छोटे छोटे प्लांट हैं जिसको कि मैं रिपोर्ट करना भूल गई, तो इसी में ना छोटे छोटे क्रिसैंथेमम जो है ना वो फ्लावरिंग करने लग गए हैं। और मेरे जो है ना अर्ली फ्लावरिंग हो गई थी तो ना वो ना स्पेंड होके अब ख़त्म होने वाला है। और फ्रेंड्स एनुअल क्रिसैंथेमम में भी बहुत अच्छी जो है ना अब कलियाँ बनने लग गई है। कैलेंचो जो है अब वो भी तैयार हो गया है फ्लावरिंग करने के लिए। देखिए जो देसी कैलेंचो है, हाइब्रिड कैलेंचो, सब में ना हाइब्रिड कैलेंचो तो की तो अब फूल खिल के स्पेंड भी हो रहा है, बट ये जो कैलेंचो है ये ना देसी वाली और ये सब अब रेडी हो रही है। ये थोड़ा लेट में खिलता है कैलेंचो जो है देसी वाली, और ये भी ना अब तैयार होके ख़त्म होने वाला है। और फ्रेंड्स मेरे जितने भी बिगुनिया के प्लांट हैं ना, ये जैसे कि येलो वाला है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग किया, 2 महीना से अभी फ्लावरिंग ही कर रहा है। और इसको मैंने ना बाउंड्री पर रख दिया अपने घर के, और ये देखिए ये बहुत अच्छी से फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स इसकी भी ना अब ये एक बार फूल स्पेंड हो जाएगा ना, तो क्यों मैं इसको गर्मियों के लिए तैयार करूँगी, इसको मैं ना काट दूँगी, सारे फूल को भी मैं काट के रख दूँगी और फिर इसको मैं थोड़ा खाद पानी दे दूँगी ना, तो फिर से ये फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमारे घर में जितने भी टोमेटोज़ हैं ना, टोमेटोज़ वैसे सस्ता मिल जा रहा है अभी मार्केट में, मगर क्यों मैं जब सलाद यूज़ करती हूँ ना तो अपने घर के ऑर्गेनिक टोमेटोज़ ही यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं रहता, हमको पता रहता है कि हमने उगाया और अपने हाथ से उगाया हुआ है। तो जो है आप ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मिल जा रही है, वैसे मिल ही जाती है, बट ये एक संतुष्टि रहती है कि आप जो भी खा रहे हैं बहुत अच्छा और हेल्दी खा रहे हैं। सलाद के लिए जब हम कच्चा खाते हैं ना तो ऑर्गेनिक खाना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका जो न्यू ईयर है वो भी बहुत अच्छा हेल्दी जाए और स्वास्थ्य पे सबसे पहले ध्यान लगाए, और आपकी गार्डनिंग यूँ ही खिलखिलाती रही।
रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक बाय।